हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफजी लॉकेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनजीटी की। ओके, एज वी ऑल नो, एनजीटी हमारा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ओके, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसमें स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स ही आते हैं। ओके, बिकॉज इट इज ओनली एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द मैटर्स पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट लॉ। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना कब। ओके, सो फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट डेट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की है, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट वाज 4th June 2011, द डेट व्हेन एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो वेयर एनजीटी इज लोकेटेड, एनजीटी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, सो एनजीटी 4 जून 2011 को फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ इन इंडियन लॉ। ओके, सो एनजीटी का आना एनवायरनमेंट लॉ के लिए, एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा यू नो इट वाज अ गेम चेंजर, बिकॉज कोर्ट्स का पूरा बर्डन जो एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड था वो शिफ्ट हो गया था अब एनजीटी पे। ओके, नाउ एनजीटी विल बी डीलिंग विद द एनवायरनमेंट लॉ। अब हम क्विकली कुछ बातें एनजीटी के बारे में जानते हैं। ओके, सो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनजीटी। अब ज्यूरिसडिक्शन की जब हम बात करें तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ज्यूरिसडिक्शन की। ओके, किस किस स्टैट्यूट पे एनजीटी जो है दैट इज एप्लीकेबल। सो एनजीटी इज एप्लीकेबल ऑन वाटर एक्ट, आई एम राइटिंग इट इन स्मॉल। वाटर एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट, सिमिलरली एयर एक्ट। ओके, देन वाटर एक्ट ऑफ 1974, एयर एक्ट ऑफ 1981, देन वी हैव वाटर सेस एक्ट। ओके, जो वाटर पे हमारा सेस लगता है वो एक्ट भी एनजीटी की स्टैट्यूटरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। देन वी हैव द मोस्ट वंडरफुल एक्ट विच इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। Then we have Biodiversity Act. Okay, we have Forests Act. Forests Act of 1980. And then we have Public Liability Insurance Act of 1991. अब ऐसे दो acts, ऐसे दो statutes जिन पे NGT apply नहीं होता है, वो दो स्टेट्यूट्स हैं विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो जिन पे अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एंड सेकेंड वन इज ओके एंड सेकेंड वन इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो इन ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है एंड दिस इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, सो दोनों के पर्पसेस ऑफ एनएक्टमेंट अलग है। तो दीज टू, अब इसको आप कैसे याद रखोगे, 72 इसका ऑपोजिट 27। ओके, सो 72 एंड 27 ऑपोजिट, सो द एक्ट एनएक्टेड इन द ईयर 1972 एंड 1927 दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट and Indian Forest Act, they are not in the purview of NGT. Okay, I hope this is clear, statutory jurisdiction. अब हम बात करते हैं कि हमने tribunal बना दिया। Now, NGT is our tribunal and tribunal हमें पता है, we know that tribunals are quasi-judicial in nature. ट्राइब्यूनल्स जैसे हमारे पास कैट है, क्लैट है, कंपनी लॉस ट्रिब्यूनल है, ओके, एंड वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो दीज ट्रिब्यूनल्स आर बेसिकली गवर्न बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है। सो एनजीटी पे भी ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है एंड ऑल्सो इस पे हमारा, जस्ट अ सेकेंड, सो एनजीटी इज नॉट गवर्न्ड बाय सीपीसी और एविडेंस लॉ। ओके, सो ये कहाँ पर लिखा है, दिस इज रिटन इन सेक्शन 19 ऑफ एनजीटी एक्ट दैट
it will be governed by principle of natural justice but not be governed by CPC or Indian evidence law. Okay, so only principle of natural justice prevails in the case of tribunals. Ab jo सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बहुत वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ एनजीटी एक्ट है, ओके, एनजीटी एक्ट 2010. नाउ ये बोलता है कि जब एनजीटी डिसीजंस लेगा, ओके, तो ही एनजीटी विल टेक डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये क्यों? बिकॉज एनजीटी को एनैक्ट करने का, लागू करने का मेन पर्पस ही यही था, इंडिया के इन्वायरमेंटल लॉज और इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन में एक यूनिफॉर्मिटी लाना, कि हम उसको अबाइड कर रहे हैं. एंड एज वी ऑल नो, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे ऑल हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ इंटरनेशनल United Nations treaties or conventions. Okay, so to maintain a decorum in order with the international treaties to which India is a party, this section 20 specifically provides that NGT should always make decision in compliance of precautionary principle, polluter based principle as well as this sustainable development. Okay, अब हम आते हैं historical events या हिस्टोरिकल हायरार्की पे. ओके, सो फर्स्ट टाइम जो हमारा एमसी मेहता का 1987 वाला केस है. नाउ एमसी मेहता 1987 पर्टेन्स टू श्रीराम ओलियम गैस लीक. ओके, जिस केस से हमारे पास एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. इस केस में फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया दैट देयर शुड बी वन एनजीटी. वन एनजीटी नहीं बोला गया था, पर वन स्पेसिफिक बॉडी, एनवायरमेंटल बॉडी विच शुड ओनली डील विद एनवायरमेंटल मैटर्स, बिकॉज एनवायरमेंट मैटर्स नीड साइंटिफिक टेम्परामेंट, एनवायरमेंट मैटर्स नीड स्पेशलाइजेशन बाय द पीपल हु आर वेरी मच अवेयर ऑफ एनवायरमेंट. देन उसके बाद जो हमारा बिछड़ी विलेज केस है, इंडियन एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिछड़ी विलेज केस as well as Vellore Citizen Forum. Both of them also recognize that there should be a separate forum. Vellore Citizen में बात हुई green bench की, कि एक green bench होना चाहिए, और बिछड़ी village में बात हुई कि there should be a separate body which should deal with criminal or civil matters relating to environment. ठीक है, अब उसके बाद Yes. Now what happens is कि 1999 में हमारा एपी आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का केस आता है वर्सेज एमएन नायडू, जिसमें ये बात होती है कि भाई हमें एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है. सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है लॉ कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स लॉ कमीशन टू डिग इनटू इट, एंड इन 186th लॉ कमीशन रिपोर्ट, 186 लॉ कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2003, एनजीटी बिल इज रिकमेंडेड, कि एक बिल ऐसा होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली एक नई बॉडी को एनैक्ट करे. तो एनजीटी बिल की रिकमेंडेशन 186 लॉ कमीशन देता है. अब ये रिकमेंडेशन 2003 में मिली, बट even after 6 years nothing was done. So in 2009 one more case is instituted, which is Union of India versus Vimal Bhai. This case, you have to remember, this is not given in the case mat, but you should write it in your answers so that you can get a good mark over it. So 2009 में Union of India versus Vimal Bhai का केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेंटर को डायरेक्ट करता है कि प्लीज आप ये जो 2003 का एनजीटी बिल है इसको पास करो और एक्ट बनाओ. ओके, इसको पास करो. देन ऑन इन 2010 ऑन 2 June, ओके, दिस बिल इज पास्ड, दिस बिल रिसीव्स प्रेसिडेंशियल असेंट एंड NGT Act is enforced.
अपडेट एनजीटी एक्ट की एनफोर्समेंट डेट है 18 अक्टूबर 2010 और एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी डेट है 4 जून 2011 जब इट गॉट एस्टैब्लिश. सो दिस वाज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट. अब पर्पस क्या है. ओके सबसे पहला पर्पस था टू शिफ्ट द बर्डन. ऑफ कोर्स हम ट्रिब्यूनल्स स्मॉल कॉजेस कोर्ट इसलिए बनाते हैं ताकि जुडिशरी का बर्डन कम हो सके और मोर और इक्वली कॉम्पिटेंट लोग उस अपॉइंट हो एंड दे शुड यू नो ऑल्सो शेयर द बर्डन एंड जिससे स्पीडी जस्टिस एंश्योर हो सके. सो अनदर फीचर इज स्पीडी जस्टिस इन एनवायरमेंटल केसेस बिकॉज सपोज कोई केस हुआ मान लो कि कोई 1999 में पॉल्यूशन से अफेक्ट हो रहा है अब उसको जस्टिस मिलते मिलते 2020 हो गया तो आफ्टर 21 ईयर्स डू यू थिंक कि वो जस्टिस उसको अच्छे से सर्व होगा. वी हैव हर्ड अ सेइंग दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ओके सो टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स वी हैव एनेक्टेड दिस एनजीटी एक्ट एंड ऑल्सो टू कंप्लाई एक बॉडी ऐसी हो एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट बॉडी ऐसी हो विच शुड कंप्लाई विद इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट लॉ. ओके सो एक बॉडी जो ये सुनिश्चित कर सके दैट एनवायरमेंट लॉ के जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिसकी इंडिया पार्टी है ट्रीटी कन्वेंशंस दैट हैज बीन फॉलोड प्रॉपरली थ्रू आउट द कंट्री. ओके नाउ अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन पे. ओके सेक्शन 4-7 हमें बताता है कि कौन मेंबर्स होंगे एनजीटी के एनजीटी की बेंचेस कहाँ कहाँ हैं एंड मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है कितने मेंबर्स हो सकते हैं प्लस कितना टेन्योर वो सर्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एनजीटी की बेंचेस की. ओके लेट्स यस सो देयर आर हम एक डायग्राम सा ड्रॉ करते हैं एनजीटी लिख लेते हैं ठीक है बेंचेस नॉर्थ दिस इज ईस्ट दिस इज साउथ दिस इज सेंटर एंड दिस इज वेस्ट. तो नॉर्थ बेंच की जो है वो हमारी प्रिंसिपल बेंच है ठीक है एंड ये कहाँ पर है क्या क्या एंटेल करती है न्यू दिल्ली हमारा यूपी यूके हिमाचल प्रदेश ठीक है चंडीगढ़ हरियाणा एंड द स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया. ओके द नॉर्दर्न इंडिया मोर स्टेट्स सो दिस इज द नॉर्दर्न बेंच नॉर्दर्न जोन बेसिकली. देन वी कम टू ईस्टर्न जोन. ओके अब यहाँ पे हमारा ईस्टर्न जोन में कौन आ जाता है सेवन सिस्टर्स जो कि हमारा असम मेघालय मिजोरम जो सेवन सिस्टर्स कंट्री हैं दे कम इन दिस ईस्टर्न जोन एंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा बिहार ओके एंड सिक्किम सो ऑल ऑफ दीज आर इन ईस्टर्न जोन. देन वी कम अप टू सदर्न जोन. ओके सो नाउ व्हाट विच कंट्रीज आर देयर इन द सदर्न जोन तो सदर्न जोन में जो हमारा केरला है कर्नाटका है ओके द साउथ इंडिया केरला तमिलनाडु चेन्नई ऑल ऑफ देम. ऑलराइट जस्ट गिव मी वन सेकेंड या सो दिस इज इन सदर्न जोन आई विल जस्ट ओके देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड जो ईस्टर्न जोन है ओके जो हमारा ईस्टर्न जोन है उसमें अंडमान एंड निकोबार भी कवर्ड है. ओके ईस्टर्न जोन में बिकॉज व्हाई अंडमान एंड निकोबार इज कवर्ड बिकॉज वेस्ट बंगाल इज देयर इन ईस्टर्न जोन एंड वेस्ट कैलकटा हाईकोर्ट में अंडमान एंड निकोबार की ज्यूरिस्डिक्शन है. ओके सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर विच इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी या दैट इज ऑल्सो इन नॉर्दर्न जोन. अब हम आते हैं सदर्न पे. ओके सदर्न
तो सदर्न में हमारा आ जाएगा वही केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, बैंगलोर, आंध्र प्रदेश एंड लक्षद्वीप प्लस पौंडीचेरी। ओके, सो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, चेन्नई, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल जोन। ओके, अब सेंट्रल जोन में आपको याद रखना है, वी हैव राजस्थान, वी हैव छत्तीसगढ़ एंड वी हैव मध्य प्रदेश, थ्री स्टेट्स। ओके, देन वी कम अप टू आर वेस्टर्न जोन। ओके, जस्ट अ मिनट, या वेस्टर्न जोन। सो वेस्टर्न जोन में हमारा आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ओके, एंड इसकी जो बेंच है वो मेन बेंच है पुणे, एंड सेंट्रल जोन की मेन बेंच है भोपाल। ओके, सदर्न की हमारी मेन बेंच जो है दैट इज चेन्नई, नॉर्दर्न की न्यू दिल्ली एंड ईस्टर्न की कैलकटा, कोलकाता एज वी से नाउ। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वी हैव पुणे एंड वी हैव दामन एंड दीव प्लस दादरा एंड नागर हवेली। ओके, सो बोथ द यूटीज विच आर नाउ कंबाइन इन टू सिंगल वन। दिस इज द बेंचेस, वी हैव दीज बेंचेस। ये हो गया हमारा कि एनजीटी की बेंचेस कहाँ कहाँ है। देन नेक्स्ट वी कम अप टू मेंबर्स। ओके, कि हु ऑल आर द मेंबर्स। अब हम बात करेंगे मेंबर्स की। तो जो मेंबर्स है ना, हम एक एक करके बात करेंगे। चेयरपर्सन, देन वी हैव जुडिशियल मेंबर्स। ओके, जुडिशियल मेंबर्स एंड देन वी हैव एक्सपर्ट मेंबर्स जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब हम बात कर, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जो चेयरपर्सन तो एक होगा, जुडिशियल मेंबर मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, ऐसे ही एक्सपर्ट मेंबर मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। सो दिस चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और दिस इज और ओके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, सो ईदर अ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन जुडिशियल मेंबर्स रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लस रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्लस रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी हो सकते हैं। ओके, इसमें एक एडिशन है दैट नॉर्मल जज, नॉट चीफ जस्टिस, ही कैन ऑल्सो बी अ जुडिशियल मेंबर। प्लस एक्सपर्ट मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, द एक्सपर्ट मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है कि 15 प्लस ईयर ऑफ एक्सपर्टीज प्लस 5 प्लस ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, एंड दे शुड ईदर बी एमएससी इन एनवायरमेंट और साइंसेज। ओके, और दे शुड बी एमटेक। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन। इनको हम अपॉइंट कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट। ओके, सो नाउ अपॉइंटमेंट जो चेयरपर्सन की होती है, हाउ द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड। ओके, सो चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, एंड द अदर मेंबर्स जो हमारे जुडिशियल मेंबर्स हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, जुडिशियल मेंबर्स प्लस एक्सपर्ट मेंबर्स, इनका अपॉइंटमेंट एक कमिटी करती है। और वो कमिटी कौन सी होती है, वो कमिटी होती है सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
along with consulting ministry of law and justice, concerned ministry of law and justice. Okay, जो भी मेंबर कंसर्न मिनिस्ट्री भेजेगी दैट ये कमिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर जो है वो अपॉइंट हो सकता है. अब हम बात करें ट्रिब्यूनल की, ठीक है, अब की ट्रिब्यूनल में कितने टाइम टेन्योर की. ओके, सो जो हमारा चेयर पर्सन है, ठीक है, हर पर्सन, एवरी पर्सन विल ओनली सर्व 5 years और 5 years एंड द अपॉइंटमेंट इज वंस इन लाइफ टाइम. अगर आप एक टर्म सर्व कर चुके हो तो आप दोबारा अपॉइंट नहीं होगे एनजीटी में. सो चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर, ओके, इन दोनों का क्राइटेरिया इज सिमिलर. मैक्सिमम एज जो है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज हैं तो 70 है, अगर आप हाई कोर्ट जज हैं तो इट इज 67, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 है एंड हाई कोर्ट की 62 है. सो 5 years और 70 years, विच एवर इज अर्लियर. ओके, अगर मान लो कि एक हाई कोर्ट जज ने 60 years में रिटायरमेंट ले लिया एंड 61 years की एज में वो अपॉइंट हो गए इन एनजीटी, तो 5 years जो है उनका 61 + 5 = 66 years, अर्लियर 66 है. अब अगर हम 5 years ना देखें तो 67 तक इफ ही सर्व तो ये 6 हो जाएगा. तो हमें इन दोनों में से जो अर्लियर है वो काउंट करना होता है, ओके, जो पहले रिटायर कर रहा हो. एंड फॉर एक्सपर्ट मेंबर द मैक्सिमम एज इज 65 years. ओके, सो दिस इज द ड्यूरेशन फॉर विच अ पर्सन विल सर्व हिज और हर ऑफिस इन एनजीटी. नाउ लेट्स कम टू द ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन 3 तरह की होती है एनजीटी के पास. एक होती है ओरिजिनल सेक्शन 14, दूसरी होती है कॉम्पनसेटरी सेक्शन 15 एंड तीसरी होती है एपिलेट, ओके, सेक्शन 16. अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे. देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें ओरिजिनल मैटर्स जाते हैं. सपोज मेरे घर के पास आकर किसी ने बहुत बड़े पार्क में डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अब वहां पर क्या है, वो इंडस्ट्री बना रहे हैं, सो दिस इज एन ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन. आई विल डायरेक्टली गो टू एनजीटी अंडर सेक्शन 14, फाइल अ केस दैट दिस पर्सन इज डिवॉइडिंग मी ऑफ माई एनवायरमेंटल राइट्स. ओके, सो जो ओरिजिनल केसेस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स हैं, facts plus substantial question of law, okay, environment से related कोई भी substantial question original jurisdiction में आता है. और original jurisdiction का limitation period क्या है, it is 6 months from the cause of action, ठीक है, plus 60 days. अब ये 60 days discretionary हैं, अगर आप sufficient cause show कर सकते हो तो. नाउ कॉम्पनसेटरी ज्यूरिसडिक्शन हमारा, और इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वो सारे 7 acts कवर होंगे जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की है. ओके, दीज ऑल 7 acts. सो एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग आउट ऑफ दीज 7 acts शैल बी डेल्ट अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. कॉम्पनसेटरी ज्यूरिसडिक्शन में है कि अगर कोई हजार्ड हो जाता है, एनवायरमेंटल हजार्ड, तो उस केस में आप सुप्रीम को, आप सॉरी एनजीटी आ सकते हैं कॉम्पनसेशन मांगने. ओके, अब नाउ कॉम्पनसेशन आप कितने, इसका जो लिमिटेशन है दैट इज 5 years फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन. क्यों? क्योंकि ये कॉम्पनसेटरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उसी केस में कॉम्पनसेशन एनजीटी आपको देगा जिस केस में डेथ हो, जिस केस में परमानेंट या पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो, टेम्परेरी या पार्शियल फॉर्म में, एंड जो भी कॉज जो स्केड्यूल 2 मेंशन करता है, ओके, उन कॉजेस पे कॉम्पनसेटरी ज्यूरिसडिक्शन जो है एनजीटी की दैट इज एनएक्टेड. ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड सी द स्केड्यूल 2. उन्हीं केसेस में कॉम्पनसेटरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक होगी. अब इसका टेन्योर 5 years देने का रीजन ये है क्योंकि जो स्केड्यूल 2 में केसेस दिए हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस केस ऑफ डेथ, देयर इज दिस केस ऑफ पार्शियल
impairment, and there is this case of permanent disfigurement. So वो हो सकता है 6 महीने या 1 साल में पता ना चले hazard होने के, वो बाद में पता चले. तो the doors are kept open for the people to seek compensation. Now appellate is कि from the orders of state government या pollution control board under those 7 acts जो हमने discuss किए हैं, उनके order की जो appeal है वो सीधा NGT में आएगी. And the limitation period of this appeal is 30 days from the date of order plus 60 days if cause of action is showed. This 60 days is discretionary, but the main time limit is 30 days from the cause of action. So this is the jurisdiction of NGT. अब appellate jurisdiction जो है ये prospective है. NGT 2010 में आया. आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई appellate jurisdiction है तो आप 2003 में जो order हुआ है उसके against appeal करो. आप नहीं कर सकते. All right? Now the last point we need to discuss in NGT is brief summary of 2 cases and appeal. अब हमने जो अपील तो कर दी सेक्शन 16 में एपिलेट जूरिस्डिक्शन में आके अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट, बट अब हम एनजीटी की अपील कहाँ करेंगे. दिस इज अपील टू एनजीटी, बट अगेंस्ट एनजीटी हम अपील कहाँ करेंगे. अगेंस्ट एनजीटी हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 22 ऑफ एनजीटी एक्ट. ओके, सो एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनजीटी कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एनजीटी एक्ट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल क्विकली डिस्कस दिस केस ऑफ टेकी तागी तारा. ओके, दिस इज अ केस इन विच अब टेकी तागी तारा वर्सेस राजेंद्र सिंह भंडारी. ओके, फॉर योर रेफरेंस वर्सेस राजेंद्र सिंह भंडारी. दिस इज अ केस ऑफ 2017. अब इस केस में क्या होता है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ मेंबर्स अपॉइंट हो जाते हैं एंड एनजीटी क्या करता है, उनका अपॉइंटमेंट होल्ड कर देता है और स्टेट को बोलता है कि आप रिकंसीडर करो. तो अपील की जाती है कि एनजीटी की जूरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड तो हो ही नहीं सकती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर इन इटसेल्फ एन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज. ओके, सो इस केस में ये हेल्ड किया जाता है दैट एनजीटी डज नॉट हैव जूरिस्डिक्शन, डज नॉट हैव जूरिस्डिक्शन और से इन अपॉइंटमेंट ऑफ पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर्स. सो दैट इज नॉट इन इट्स purview, not in its jurisdiction. All right, so this is it for NGT. अगर आप ये सारे points अपने answer में mention करके आएंगे, you are going to get very good marks, right? So there is nothing we have left in this video, and I hope this video is useful for you. Thank you very much. Stay tuned with FG Lockit.